दक्षिण क्षेत्र भगवान बुद्ध का पर बना हुआ है जो 300 वर्ष पहले सम्राट अशोक ने बनवाया था, जिसकी वंदना अभी हम लोगों ने की। सब ये है यहाँ पर, ये जो 300 वर्ष पहले सम्राट अशोक ने इस स्तूप को, अचल चेतन स्तूप को बनाया था, जिसकी हम लोग वंदना कर रहे हैं। बुद्ध 80 वर्ष की आयु में 2500 वर्ष पहले उसी नगर में जाकर के उन्होंने महापंड पान किया, और जिस जगह पर बुद्ध ने अपने अपने अवशेष छोड़े थे, चिर स्मृति है, जिस जगह भी है, चाहे वो कहिए कोई भी जगह रही हो, बोधगया की हो, सारनाथ की हो, संकिसा की हो, कुशीनगर की हो, कौशाम्बी की हो, या जितने भी हमारे बौद्ध स्थल हैं, सभी जगह आज हम लोग पूजा वंदना करते हैं और बुद्ध को याद करते हैं। आपने श्लोक में जाकर के माता जी को उपदेश दिया, माता जी का कर्ज उतारा उन्होंने, और माता जी का कर्ज उतार करके यही इसी धरती पर जो बुद्ध ने अपनी माता जी को चित्त कैसे रूप और निबंध अभिधम का उपदेश दिया था, ये अभिधम स्थली है, ये टोटल भगवान बुद्ध की अभिधम स्थली है संकिसा। दूसरी जगह कोई अभिधम स्थली नहीं है, अभिधम स्थली के नाम से सिर्फ और सिर्फ संकिसा को जाना जाता है। यहीं पर भगवान बुद्ध ने पवारणा नहीं महापवारणा किया था। बुद्ध प्रमुख और भी भिक्षु संघ था, यहाँ 500 अर्थ भिक्षु भी थे, उनके साथ उन्होंने महापवारणा को किया था आज के दिन। इसलिए मेरी बहुत पवित्र जगह, ये इतनी पवित्र जगह है, कि हम लोग ऐलान धो करके उसी जो हमारा भिक्षु संघ बैठा हुआ है उसी का कई उपदेश किया, उसी का वाचन किया, कहिए प्रतरण पाठ किया। अभी शॉर्टकट में क्योंकि हमारा कहिए इंद्रदेव है, वो आप हम लोगों के प्रसन्न है, और कहिए हो सकता है वो बुद्ध जी भी हम लोगों के काफ सामने प्रसन्न है, तो आज हम सभी लोग तो ये समझते हैं हम हमारा ये पवित्र दिन खीर बांटने का है, हमारा पवित्र दिन बच्चों के दर्शन का, बच्चों के उपदेश सुनने का है। आज का दिन हम लोग कई घरों में जाकर के अगरबत्ती मोमबत्ती जला करके एक दूसरे को सतपूर्णिमा का ये बधाई देने का है, तो ये पवित्र दिन बहुत जरूरी है। क्योंकि आज हम अभिधम फिलोसफी पे नहीं जा रहे, क्योंकि कारण है कि हमारे बीच में उपरंत भी बैठे हैं, तो दो शब्द वो भी कहेंगे, और पानी ऐसे बरस रहा है जैसे कि हमको भगाने के लिए जा रहा है। मैं मांगूंगा नहीं, विश्व संघ मांगेगा नहीं, इसलिए ये बोलने के लिए मैं देता हूँ।